श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी एक मनोकामना है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं, तो आप इस मनोकामना को अपनी एक उपाय के ज़रिए पूरा करा सकते हैं, जो कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। दोस्तों, कल सोमवार है, तो सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और आपको निश्चित ही इसका फल देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्र ले लेना है और एक कलश भर लेना है, जिस कलश से आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे। यह सभी सामान तैयार करने के बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में और शिवलिंग के सामने बैठ जाना है, या खड़े होकर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद आप जो एक बेलपत्र लाए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ाइए कि जो बेलपत्र की जो डंडी होती है वो आपके साइड हो, और इस तरीके से आप उल्टा करते हुए उस शिवलिंग पर जो है उस बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। बेलपत्र को चढ़ाने के बाद आप लोगों को चंद्रमौली नाम लेना है, जो कि एक शिवजी का ही एक बहुत ही प्रमुख नाम है। चंद्रमौली नाम स्मरण करते हुए आपको जो बेलपत्र है वो चढ़ानी है और अपनी मनोकामना भी शिवजी के शिवलिंग के सामने रखनी है। उसके बाद आप जो एक कलश जल भर के लाए हैं, एक जल का कलश भर के लाए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप पूरा जो कलश है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोग जो शिवलिंग के ऊपर कलश चढ़ा रहे हैं, जो जल शिवलिंग के ऊपर से स्पर्श होता हुआ जा रहा है, आपको शिवलिंग को छूकर उस जल को थोड़ा अपने हाथ में लेना है और अपनी दोनों आँखों पर ला लेना है। बस इतना उपाय करते हुए आँखों पर लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है, अपनी मन की मनोकामना बोल देना है। मन की मनोकामना बोलने के बाद भगवान के पैर पढ़ लेना है और वापस अपने घर आ जाना है। यह उपाय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताते हुए कहा है कि अगर आप इस उपाय को सच्चे मन और सच्ची निष्ठा से करते हैं तो एक साल के अंदर आपको इसका फल अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। मतलब एक साल के अंदर आपको आपकी मनोकामना का फल, आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होते ही आपको नज़र आ जाएगी। बस सच्चे मन से इस उपाय को कीजिए। कल सोमवार है, बहुत ही अच्छा दिन है, भोले बाबा का दिन है, तो कल आप इस उपाय को कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।